सभी सम्मानीय शिक्षकों और विद्यार्थियों को हमारा सादर प्रणाम। आज मैं डेजी और मैं आलिमा आपके समक्ष कुछ मनोरंजक शायरियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे डेजी, सब लोग सोचते हैं ना कि हम लड़कियां तैयार होने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगाती है, ये सही है? मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कुछ लड़के भी तैयार होने में कुछ ज्यादा ही वक्त लेते हैं। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है, हमेशा तैयार होकर रहें, क्योंकि रिश्ते और फरिश्ते कभी भी आ सकते हैं। वैसे डेजी, हमने अपनी बात तो कर ली, अब यहाँ मैं मौजूद हजरात के बारे में भी कुछ शायरियाँ पेश करेंगी। एक शायरी उन लोगों के लिए जो अक्सर ख्यालों में डूबे रहते हैं। अपनी यादों को कहो एक दिन छुट्टी दे मुझे, अपनी यादों को कहो एक दिन छुट्टी दे मुझे, इश्क़ के हिस्से में भी तो ऐतवार होना चाहिए। अब ये शायरी उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है उनके जख्म कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। खामोश चेहरे पर भी हजार पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी दर्द गहरे होते हैं। रूठ जाते हैं अक्सर हम उनसे जिनसे रिश्ते और भी गहरे होते हैं, एक शायरी उन लोगों के लिए जो दूसरों को बोलते हैं कि हमें दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं प्यार होता रहता है। हर इंसान धोखा देता है, हर इंसान बुरा होता है, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर कोई इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। आखिर में एक शायरी दिल चले लोगों के नाम, मोहब्बत भी तेरी थी वो शरारत भी तेरी थी, मोहब्बत भी तेरी थी वो शरारत भी तेरी थी, अगर कुछ बेवफाई थी तो वो बेवफाई भी तेरी थी। वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बता देता है कि